नमस्कार, आज NVW शब्द पर चर्चा करते हैं। अदालती प्रक्रिया में आए दिन अदालतों में पत्रावली पर NVW शब्द लिखा जाता है। इस शब्द के माध्यम से सैकड़ों लोगों को आए दिन जेल भेजा जाता है और जो लोग NVW आदेश के अनुपालन में न्यायालय में हाजिर होते हैं, न्यायालय द्वारा उन्हें भी जेल भेज दिया जाता है। NVW यानी नॉन बेलेबल वारंट, इस शब्द का CRPC में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन इस शब्द को न्यायालय द्वारा काफ़ी प्रयोग किया जा रहा है। चूंकि ये शब्द इतना भयभीत कर देता है कि आम आदमी इस NVW को जानता है, लेकिन NVW है क्या इस संबंध में वो अधिक नहीं जानता है। NVW अगर न्यायालय द्वारा किया जाता है तो वो उस स्थिति में किया जाता है कि कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहा है, या न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहा है, या न्यायालय की किसी शर्त का उसने अनुपालन नहीं किया है। NVW व्यवहार में लाया गया एक शब्द है जो अदालत में प्रयोग किया जा रहा है। अदालत कैंपस की एक भाषा है। CRPC के अध्याय 6 की धारा 70, धारा 71 में NVW के संबंध में कोई शब्द नहीं लिखा गया है, लेकिन NVW के आशय के लिए चूंकि वारंट ऑफ अरेस्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, NVW हमारे द्वारा जो प्रयोग किया जा रहा है अदालती कार्रवाई में, वो शब्द विधान में नहीं है। चूंकि CRPC या अन्य अधिनियम में उसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, उसे कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन ये शब्द हमारे व्यवहार में आ गया है और इस NVW के आशय को हम समझ जाते हैं। इंद्र गोस्वामी बनाम उत्तरांचल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये मत व्यक्त किया गया कि न्यायालय को NVW या वारंट ऑफ अरेस्ट करने से शुरुआती दौर में बचना चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। पहली बार में, दूसरी बार में NVW आदेश पारित नहीं करना चाहिए। रघुवंश दीवानचंद बसीन बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि NVW जो फॉर्म दंड प्रक्रिया संहिता में सेकंड नंबर दिया गया है, उसी के आधार पर वारंट जारी किया जाना चाहिए। ऐसा वारंट रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए और उसमें क्रमांक डाल करके जारी किया जाना चाहिए। ऐसे वारंट का जिस अधिकारी द्वारा एग्जीक्यूशन किया जाना है, उस व्यक्ति के पास अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस वारंट का उस अधिकारी के पास अधिक समय तक रहेगा, दुरुपयोग किए जाने की संभावना है। चूंकि वारंट से व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती है, तो वो वारंट आदेश जो न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, तिथि से पूर्व या तिथि पर निष्पादन हो जाना चाहिए, या वारंट अगर निष्पादित नहीं किया जा रहा है तो न्यायालय को वापस आ जाना चाहिए। चूंकि इसके दुरुपयोग को रोकना है और जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनका अनुपालन किया जाना है, उन्हीं अनुपालन के अनुरूप वारंट के संबंध में अदालतों द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये माना गया कि ये जो NVW है, ये शब्द दंड प्रक्रिया संहिता में या अन्य किसी कानून में इसका हवाला नहीं है, तो ये शब्द न्यायालय में, न्यायालय कैंपस से व्यवहार में ले लिया गया है, लेकिन ये शब्द जो व्यक्ति इस वारंट का निष्पादन कर रहा है, जो पुलिस अधिकारी वारंट को ले जा रहा है और जिस व्यक्ति के खिलाफ ले जा रहा है, उन दोनों को समझने में सुविधा है कि इसकी मंशा क्या है। चूंकि वारंट
की मंशा न्यायालय में हाजिर करने की है और उस व्यक्ति को पेश होने की आवश्यकता है। लेकिन अगर शब्द NVW न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कह दिया गया कि ये कानून में बैठ नहीं है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद।